सब्सक्राइब कीजिए इंतज़ार हैदर चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिले मेरी वीडियो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और खैर खैरियत होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ लुब्रिकेंट के पार्ट टू के बारे में बताऊंगा। पार्ट वन में मैंने आपको एपीआई सिस्टम के बारे में तफसील से बताया था, वो वीडियो आप मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसएई के बारे में। एसएई का मतलब सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स है। टॉपिक शुरू करने से पहले आप ये पिक्चर देख ले, इसमें 5W30 का फार्मूला है, 5W20 का फार्मूला है, 10W40 का फार्मूला है और 20W50 का फार्मूला है। हमें ये तो पता होता है कि हम अपनी गाड़ी में कौन से फार्मूले का लुब्रिकेंट डाल रहे हैं, लेकिन हमें उस फार्मूले का पता नहीं होता कि उसका मतलब क्या है असल में और इन फार्मूलाज़ में सबसे बेहतरीन फार्मूला कौन सा है। इस वीडियो में मैं आपको इनका मतलब समझाऊंगा और आखिर में बेहतरीन फार्मूले के बारे में आपको बताऊंगा, लिहाजा वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर फार्मूले के दो पोर्शंस हैं, एक W से पहले एक फ़िगर है और एक फ़िगर W के बाद में है। W से पहले का जो फ़िगर है वो हमें एंटी फ्रीजिंग प्रॉपर्टी का बताता है, कि आफ्टर W का फिगर हमें विस्कासिटी प्रॉपर्टी एट हाई टेम्परेचर का बताता है, मतलब अगर टेम्परेचर इतना हाई हो गया तो तब तक ये लुब्रिकेंट अपनी चिकनाहट को बरकरार रखेगा। तो इसका खुलासा ये हो गया कि W से पहले का जो फिगर है वो जितना लो हो उतना बेहतर है, W के बाद का फिगर जितना हाई हो उतना बेहतर है। तो इन फार्मूलाज़ में आप देख सकते हैं कि 20W50, 15W40, 10W40, इनमें आप देख ले कि 50 तो मैक्सिमम पे है लेकिन 20 मिनिमम पे नहीं है, इसी तरह 40 मैक्सिमम पे है, 15 मिनिमम पे नहीं है, 40 मैक्सिमम पे है, 10 मिनिमम पे नहीं है। इस तरह इस फार्मूले में भी 40 मैक्सिमम पे है और 5 मिनिमम के बहुत करीब है। इस तरह इस पे देख ले, ये ना मैक्सिमम पे है ना मिनिमम पे है, बिल्कुल सेंटर पे है ये, और ये मिनिमम से थोड़ा सा ऊपर है। इसके बाद ये देख ले, ये उसी तरह 30 है, ये बिल्कुल मिनिमम पे मौजूद है, और इस तरह ये भी बहुत मैक्सिमम से बहुत नीचे है और ये मिनिमम पे मौजूद है, उसी तरह ये फार्मूला भी है। तो अगर आप इस फार्मूले को देख ले, ये जो फार्मूला है 5W40, इसका जो आफ्टर फिगर है ये बिल्कुल मैक्सिमम के करीब है और ये जो फिगर है ये बिल्कुल मिनिमम के करीब है, मतलब इस तरह का कोई भी दूसरा फार्मूला आपको नहीं मिलेगा जो मैक्सिमम के भी करीब हो और मिनिमम के भी करीब हो। तो मतलब इसका ये हुआ कि इसका ये जो फार्मूला है ऑयल में सबसे बेहतरीन फार्मूला 5W40 का है, इससे अच्छा फार्मूला और कोई भी नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये 5W40 का फार्मूला किसी भी इंजन में डाल दें। ये फार्मूला सिर्फ 0 मीटर गाड़ियों के लिए इस्तेमाल होता है या वो गाड़ियाँ जो सिर्फ 5 से 10 हज़ार किलोमीटर तक चली हुई हो, उसके अलावा आप किसी और गाड़ी में ये नहीं डाल सकते। तो ऑयल जो भी इस्तेमाल करें अपने इंजन की कंडीशन को देख कर, उसके बाद ऑयल का इंतखाब करें। वीडियो अच्छी लगी हो काइंडली मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।